अरे वाह सचमुच बरसात के दिनों में तो गांव के खूबसूरती में चार चांद लग जाता है। हम बाकी इस चांद पे ठनका का तो ग्रहण लगते रहता है, बाकी तुम दोनों मुर्गा क्यों बन गए भाई? अरे मुर्गा नहीं बाबूजी, ये ठनका यानी वज्रपात से बचने का उपाय है। मतलब? मतलब ये कि वज्रपात के समय आप लोग एक समूह में खड़े होने के बजाय अलग अलग दूर खड़े हो जाइएगा। और अगर खेतों में काम कर रहे हैं तो घबरा कर इधर उधर भागने के बजाय सूखे मेड़ पर चले जाइए और अपना पैर के नीचे सूखी लकड़ी, प्लास्टिक, बोरा या फिर सूखा पत्ता रख लीजिए। उसके बाद दोनों पैरों को आपस में सटा लेना है, फिर दोनों हाथों से कान को बंद कर लेना है, फिर सिर को नीचे की तरफ झुका लेना है। इससे तो अच्छा होता कि हम लोग दोनों कान बंद करके जमीने पर सूत जाते। जमीन पर तो सूतना ही नहीं है, ऊंचा गाछ, जलाशय, पोखर और टेलीफोन या बिजली के खंभा के नीचे भी खड़ा नहीं होना है, काहे कि बिजली को अपना तरफ आकर्षित करता है। हो सके तो जल्दी से जल्दी पक्का मकान या छत के नीचे चला जाना है। और हाँ, टेलीफोन या मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना है। और ये धातु वाले छाते की जगह लकड़ी के डंडे वाले छाते का इस्तेमाल कीजिए। और अगर वाहन में हैं तो सफर के दौरान वाहन में ही रहें और घर में बरामदा, खिड़की और दरवाजे से दूर रहें। बिजली के उपकरणों का उपयोग नहीं करना है और बिजली के उपकरणों को बिजली के संपर्क से हटा देना है। ठनका के मामले में मृत्यु का तत्कालिक कारण हृदय घात है, इसलिए अगर व्यक्ति के शरीर में विद्युत का प्रवाह न हो तो उसे तुरंत संजीवन क्रिया प्राथमिक चिकित्सा देनी चाहिए।